ना फंड थी देश विरोधी प्रोपोगेंडा फैलावनार मीडिया पोर्टल न्यूज क्लिक ने लई अने लोकसभा में होबाळो मचो छे। ज्यारे न्यूज वेबसाइट न्यूज क्लिक ने मळी रहेला फंड तथा विपक्ष तरफ थी मळी रहेला सहयोग नो मुद्दो लोकसभा में उठ्यो, जेने लई बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे कह्यु के न्यूज क्लिक ने चीन तरफ थी फंड मळी रह्यु छे। आ साथे ज उमेर्यु के न्यूज क्लिक राष्ट्र विरोधी फेक न्यूज फैलावे छे। निशिकांत दुबे मीडिया पोर्टल पर चीन ना फंडिंग थी सरकार विरुद्ध वातावरण बगाड़वानो आरोप पण लगाव्यो छे, अने जेने लई केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुरे नेविल रोई सिंघम पर पण प्रहार कर्या छे, अने तेओए चीननी कम्युनिस्ट पार्टीना समर्थनमां अने राष्ट्र विरोधी प्रवृत्तिओ करवा माटे न्यूज क्लिक नो उपयोग करे छे। आ साथे ज न्यूज क्लिक फ्रीडम ऑफ प्रेस नो दुरुपयोग करे छे। न्यूज क्लिक ने विदेश माथी 38 करोड़ रूपया नु फंड मळ्यु हतु, अने जेनो उपयोग देश ने बदनाम करवा अने पीएम मोदी नी सरकार ने निशान बनावा माटे उपयोग मां आव्यो होवानो आक्षेप छे। आ साथे ज अनुराग ठाकुरे उमेर्यु के अमे भारत विरोधी एजेंडाओ ने चलावी नहीं लईए। ये चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ जो ये दोनों मिलकर भारत विरोधी एजेंडा चलाते हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी कहां खड़ी है? ये बहुत गंभीर आरोप आज भारतीय जनता पार्टी नहीं लगा रही, आज एक बड़े पेपर में भी वहां पर भी लिखा गया, तो आज इनको इसका उत्तर देना ही चाहिए। और श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी, ये भी बताएं जिस एनजीओ के हिस्सेदार है, क्या उन्होंने भी न्यूज क्लिक जैसी संस्था को फंड किया है? 9 ऑगस्ट ना दिवसे विश्व आदिवासी दिवस नी उजवणी करवामां आवे छे, अने आ वर्षे आदिवासी लोको सांस्कृतिक कार्यक्रम साथे नहीं परंतु मौन रेली साथे उजवणी करशे। देशमां आदिवासी लोको पर थता अत्याचारनी अनेक घटनाओ सामे आवी छे अने तेना विरोधमां आदिवासी समाज मौन रेली योजवानुं छे, तो समाजना आगेवानो द्वारा सरकारी कार्यक्रमोमां आदिवासी महिलाओने नृत्य करवा न जाय तेवी अपील करवामां आवी। आ साथे ज तमाम सरकारी कार्यक्रमोनो बहिष्कार करवा माटे अपील कराई छे। આ બધી દુઃખની જે ઘટનાઓ બની છે એની સામે દુઃખ વ્યક્ત કરવા માટે, આક્રોશ વ્યક્ત કરવા માટે અમે આ વખતે કોઈ સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ નહીં કરવાના, પરંતુ છોટાઉદેપુર નગરમાં એક મૌન રેલીનું આયોજન કરવાના છે। આ વખતે શોકાંજલિના રૂપે મૌન ધારણ કરી અને કોઈપણ જાતનું નાચ નૃત્ય ગાન કરવાનું નથી અને સાદાઈથી આ વિશ્વ દિવસની ઉજવણી કરવાની છે। આપણે જાણીએ છીએ કે મણિપુરમાં જે હિંસા થઈ, આદિવાસીઓ પર જે અત્યાચાર થયો, બેન દીકરીઓ પર જે દુર્દશા કરી, દુર્વ્યવહાર થયો, આદિવાસી સમાજ હવે જાગી ગયો છે અને એને ભૂલાવવા માટે આદિવાસી દિવસની ઉજવણી કરવા સરકાર આવતી હોય દેખાઈ રહ્યું છે। આગળ વાત કરીએ ખેડાની, તો ખેડાના મહુદાના ધારાસભ્ય ટ્રાફિક હળવો કરવાની કામગીરીમાં જોડાયા। નડિયાદના ગણપતિ ચોકડી પર ટ્રાફિક જામ થઈ જતા જ ભારે હાલાકી સર્જાઈ હતી અને ટ્રાફિક જામની સમસ્યા સર્જાતા ધારાસભ્ય સંજયસિંહ મહિડાએ ટ્રાફિકનું સંચાલન કર્યું। ધારાસભ્ય સંજયસિંહ મહિડાનો વિડીયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો। राजकोट